ओके, फोर लॉज ऑफ लॉगरिथम 3.3 एक्सरसाइज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. 3.3 एक्सरसाइज के लिए ये टोटल इसके फोर लॉज हैं. अच्छा, ये लिखा हुआ है लॉग ए, ए इज अ बेस, याद रखना है ए कोई डिजिट नहीं है, इट्स अ बेस. एम मल्टीप्लाई एन इज द बेसिक, कि अगर दो वैल्यूज लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो वो किस तरह से कन्वर्ट होती है. लॉग ए, लॉग ए बेस है एम, प्लस कितना हो जाएगा लॉग ए और एन. इसका मतलब है कि लॉग एम प्लस कितना हो जाएगा लॉग एन, यानी मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है लॉगरिथम के अंदर, प्लस में चेंज होता है. डिवाइड किस में चेंज होता है, लॉग ए एम, और माइनस कितना हो जाएगा लॉग ए और एन, मतलब डिवाइड किस में चेंज हो गया, माइनस में. अगर कोई लॉगरिथम के अंदर पावर आ जाए, जैसे m की पावर n है, m की पावर कितनी है n, तो उसको हमेशा लॉगरिथम से पहले लिखना है, और इस तरह लिखा जाएगा n log a m, a is a base m log m, तो ये वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद अगर ये वैल्यू है, ये लास्ट वाला लॉ है, ये हमारा दो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग, इसमें इसके अंदर log, ये इसका ये भी इसका भी लॉ है, log b n मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, लॉग ए और बी, किसके इक्वल होगा लॉग ए बी के, यानी लॉग ए एन का मतलब है लॉग बी और लॉग ए, और यहां एन और यहां क्या है बी, ये इसका फोर्थ लॉ है. ये लॉ अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. अच्छा, अब कहोगे कि बी तो है नहीं यहां पर, यहां पे लॉग बी नहीं है, बट इसको जब हम वापस लेके आते हैं, यानी लॉग ए और लॉग बी जो है लॉगरिथम के अंदर, दो वैल्यूज के अंदर हमारे पास ये भी एक बेस वैल्यू है, इट्स अ बेस, ये पावर n है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है log a की पावर b, यानी अगर वैल्यू यहाँ पे b और n है, और यहाँ पे a और b आ गया इसके साथ. ये चार आपने लॉज जो हैं इसके आपने याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस, फार्मूला अप्लाई करना है कि क्या लॉज में से कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है. लोग क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में. आप क्या लिखोगे, लॉग ए प्लस कितना हो जाएगा लॉग बी. सो दिस इज द आंसर. ये पहला पार्ट हो गया. एक और पार्ट इसका देखिए, पार्ट नंबर इसका मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं. यहां लिखा हुआ है लॉग 7/15, और यहां एक क्यूब रूट है उसके साथ दिया हुआ, 7/15 क्यूब रूट. अच्छा, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, पहले तो आप लिख लो इसको लॉग 7/15, और उसकी पावर कितनी है, 1/3. 1/3 कहां से आ गया, 1/3 की वैल्यू है. और लॉगरिथम के अंदर दो लॉज यहां अप्लाई हो रहे हैं, कौन से दो, एक तो डिवाइड वाला और एक कौन सा, पावर वाला. हम इकट्ठा दोनों को यूज करेंगे. आप लिखेंगे 1/3 लॉग 7, 1/3 लॉग क्या हो गया 7, क्योंकि पावर को पहले लिखना था, 1/3 पहले लिख दिया. अच्छा, डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस में, तो फिर आ जाएगा लॉग 1/3 लॉग और 15 आ जाएगा. सो दिस इज द आंसर. ये इस तरह से लिखा जाएगा, सम और डिफरेंस में इनको कन्वर्ट करना चाहिए. एक और पार्ट इसका अगर आप कहते हो तो मैं कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 इसका, 5 वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लॉग 5th पार्ट, ओके, लॉग 22 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर कितनी है, 3. कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको बताएं, कितना लिखा जाएगा, 1/3 log 22 माइनस 3 log कितना हो जाएगा 5. सो दिस इज द आंसर. ये आंसर आ जाएगा, log 1/3 पहले आ जाएगा, log 22, और फिर माइनस डिवाइड की वजह से माइनस हो गया, और 3 log 5 आ जाएगा. सो ये इसका आंसर है. एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x, माइनस आगे वैल्यू लिखी हुई है, इनटू सिंगल लॉगरिथम वापस कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग में, यानी टू बेस फॉर्मूला है. सॉल्यूशन देखो इसको, आपको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स, आप एक लॉग बस लिखोगे, आगे इस तरह ब्रैकेट लगा दो, एक सिर्फ लॉग, आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस, माइनस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब क्या है लॉगरिथम के अंदर, डिवाइड. और 2 log x का मतलब क्या है, ये 2 log x का मतलब है ये x का क्या है, स्क्वायर है. 2 log x क्योंकि जब आपने लिखा था तो log से पहले क्या था आती है, पावर, तो पावर हमेशा ये 2 लिखा है, तो इसका मतलब जब वापस लेके जाएंगे तो ये x की पावर 2 हो जाएगा. आगे क्या साइन है, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई ऊपर लगाना है यहां पर,
मल्टीप्लाई, आगे का लिखा हुआ है 3 log, अब इसका मतलब है कि x प्लस 1 की पावर कितनी है, 3 है, ये x प्लस 1 और ये 3 उसकी पावर है। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या लिखा है, माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइड, ये नीचे आ गया और नीचे आके यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा है, माइनस लॉग कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 1, और ये इस तरह लिखा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, देखिए लॉग, एक लॉग लिखा हुआ है हमने, x मल्टीप्लाई x की पावर 3 का मतलब है कि एक x लिख देंगे और एक क्या लिखेंगे, x की x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे कितना आ जाएगा, x की पावर 2 है तो इसका मतलब दो दफा x आ जाएगा, और ये x की पावर 2 है तो एक दफा माइनस और एक दफा किस में लिखेंगे, प्लस में, ये x x से कट जाएगा और ये x प्लस 1 x प्लस 1 से, क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, x इंटू x माइनस 1, सो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर आ गया, ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट किया हमने इसको, हमें राइट द फॉलोइंग इनटू द सिंगल लॉगरिथम, 21 log 5, कैसे होगा, log, एक log लिखने दोनों में, और 21 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5, तो आसान था। एक और पार्ट इसका देख लो, 21 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन ब्रैकेट में एक सिंगल लॉग में लिखना है उसको। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट, 2 और साथ में कितना लिखा हुआ, लॉग एक्स माइनस कितना है, 3 लॉग वाई। बेटा देखो कैसे होगा, सिंगल लॉग में एक लॉग लिखेंगे और एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय वाई की पावर कितना हो जाएगा, 3। कैसे हुआ ये, देखो ये 2 log x का मतलब है x square, 2 log x means x square, divide का मतलब, minus का मतलब divide, और 3 log y का मतलब y 3, so log x की power 2 divided by y की power 3, so this is answer। Okay जी, calculate the following, ये logarithm का एक जो fourth law जो था, ये उसके ताल्लुक से question है, उसके उससे related है। अच्छा इसको लिखना कैसे, understand कीजिएगा, log 2 डिवाइडेड बाय log 3, ये जो दो वैल्यूज है ना, ऊपर वाली ऊपर और नीचे वाली नीचे, मल्टीप्लाई log 81 ओवर log 2, 81 ऊपर 2 नीचे आ गया, ये log 2, log 2 से क्या हो गया, कैंसिल, कितना बच गया, log 81 और नीचे कितना आ गया, log 3। अच्छा अब बेटा log 81 है ना, 81 को सॉल्व कर रहे हैं, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, 81 के फैक्टर्स देखो, 327 जर, 39 जर, 33 जर 9, 31 जर, हाउ मेनी 3 जर देयर, log 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और नीचे कितना आ जाएगा, log 3, ये log 3 यहां जो लिखा होगा। अब पावर क्योंकि आ गई है तो पावर हमेशा log से पहले लिखी जाएगी, पावर को कहां लिखना है, log से पहले, और नीचे कितना आ जाएगा, log 3, वो वैसे ही रहेगा, log 3, log 3 से कट गया, सो व्हाट इज आंसर, आंसर इज फॉर, इस तरह ये सॉल्व करना है, इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही करना है आपने, दो वैल्यूज को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, log 2, log 3, log 5, ये तीन वैल्यूज हमें गिवन है और हमने क्वेश्चन उसके मुताबिक क्या लिखा हुआ है, 32, क्या 32 की वैल्यू है यहाँ पर, नहीं है, 32 तो नहीं है ना, 2 है या 3 है या क्या है, 5, तो आपने इस वैल्यू को 32 को कन्वर्ट करने कर लेना है, 2 के टेबल में कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, 5 में, जिसमें जाएगा उस पे करना है, किस टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 4 2 1s, how many 2s are there, कितने 2s हो गए, log 2 की पावर कितनी आ गई, 5, तो आपको पता है कि लॉगरिथम के अंदर पावर को हमेशा log से पहले लिखना है, 5, अब आपके पास log 2 की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है log 2 की, 0.3010, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, 1.5050, सो दिस इज द आंसर, एंड पे मल्टीप्लाई कर देना उससे, 0.3010 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 1050 आ जाएगा, 1.50150। ओके थर्ड पार्ट है लॉग, बेटा इसको इसके मिक्स नंबर को खत्म करो ना, मिक्स नंबर का मतलब है ये वैल्यू जो लिखी हुई है ना मिक्स नंबर में लिखी हुई है, तो इसको हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 3 3s are 9 9 plus 1 10 10 ओवर 3 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा इससे और ज्यादा सॉल्व कर लें,
आपको पता है कि लॉग 3 की वैल्यू हमारे पास है लिखी हुई, कितनी वैल्यू है वो लिखी हुई है सामने, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है, 10 की। तो 10 को आप कर लोगे 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 सर कितना होता है 10, आप देखो 2 की भी है और 5 की भी, और नीचे कितना आ गया 3, और उसकी पावर लगा देते हैं, कितनी पावर लगा दी मैंने 1 बाय 2, कितनी पावर लगा देंगे 1 बाय 2, ये कहाँ से आई 1 बाय 2 स्केयर रूट की वैल्यू। और अब आपको पता है कि लॉगरिथम से पहले हमेशा किसकी वैल्यू लगानी है, किसकी पावर लगानी है 1 बाय 2, लॉग से कहाँ लगानी है पहले लगानी है। अच्छा ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, आप लिखो 1 बाय 2 लॉग 2 प्लस 1 बाय 2 लॉग 5 माइनस 1 बाय 2 लॉग 3। ये समझ आई है बात की कैसे हुआ, सबके साथ कितना लगा दिया 1 बाय 2, 1 बाय 2 लॉग 2 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया प्लस में, 1 बाय 2 लॉग 5 फिर 1 बाय 2 लॉग 3, बीच में कौन सा साइन आ गया माइनस का। अब आप मुझे बताओ कि 1 बाय 2 लॉग 2 की वैल्यू बताओ कितनी है, लॉग 2 की वैल्यू कितनी लिखी है 0.3010 प्लस 1 बाय 2 लॉग 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990 माइनस 1 बाय 2 लॉग 3 की वैल्यू कितनी है 0. कितना लिखा है 4771। अब आप क्या करोगे, इसको पहले 2 पे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 2 पे, इसको भी 2 पे डिवाइड करना है, इसको भी 2 पे डिवाइड करना है, वैल्यूज बताओ कितनी आती है। 0.305010 को डिवाइड करोगे 0 पे, इस पे आ जाएगा 0.1505 प्लस इसको 2 पे डिवाइड करो कितना आएगा 0.34495 माइनस कितना आ जाएगा 1 बाय 2 पे डिवाइड किया कितना आ गया 0.23 85। चेक करो आंसर आ रहे हैं इस तरह से, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड ये नीचे है, ये जब ये नीचे आएगा 2 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यूज आ रही है, फर्स्ट वाले की यहाँ पे 0.1505 आ रहा है, डिवाइड डिवाइड करें ना, आप क्या कर रहे हो, डिवाइड करने से दोबारा करें इसको डिवाइड, इन दोनों को प्लस करो और यहाँ माइनस कर दो, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके उसमें से ये माइनस कर दो, सो व्हाट इज आंसर, ठीक है। सो इस तरह से बाकी पार्ट्स भी इसके सॉल्व करने हैं आपने।